दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे दिमाग के विकास के लिए जानना आवश्यक होता है। हमारे आसपास की छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, उन चीज़ों को बताने के लिए हम आ जाए हैं। हम हमेशा कॉपी पर लिखते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कागज़ का आविष्कार किसने किया था? नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे। और ऐसे ही और भी ऐसे 4 प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपके माइंड को टॉप पर पहुंचाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास ठेकर और आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की मैं कामना करता हूं। तो दोस्तों, हमारे पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है कि कागज़ का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ और ये हुआ था 2020 ईसा पूर्व, यानी कि 2020 BC में चाउलिन ने किया था हान वंश के शासनकाल में कागज़ का आविष्कार। तो दोस्तों, यह था पहला टॉपिक। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। तो दोस्तों, दूसरा टॉपिक इस प्रकार है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो पानी पर डालने पर ठंडा होने के बजाय गर्म होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पानी में डालने पर भी वह ठंडा होने के बजाय गर्म होता है, उबलने लगता है, क्या है? तो दोस्तों, वो है बिना बुझा चूना। जब हम दुकान से ख़रीद कर चूना ले जाते हैं और उसे पानी में डालते हैं तो आप देखिए वो कितना उबलता है, यहाँ तक कि बाल्टी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो हीट होने लगती है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, वह कली जो पत्तों में इस तरह छिप जाती है कि वह दिखाई भी नहीं पड़ती। अब बताइए वह कौन सी कली है जो पत्तों में छिप जाती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि वह कली है छिपकली। छिपकली पत्तों में छिप जाती है और हमें दिखाई नहीं देती। अब आखिरी और चौथे विषय पर। चौथा विषय थोड़ा गंभीर है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। चौथा विषय है, अगर आपकी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ अफेयर में है, संबंध में है, तो आप उस स्थिति में तब क्या करेंगे? दोस्तों, गंभीर स्थिति तब होती है जब आप अपने से ज़्यादा अपनी पत्नी को प्यार करते हैं और तब आपको धोखा मिलता है। मन करता है कि खुदकुशी कर लें, लेकिन यहाँ बात है संवैधानिक तरीके से कार्य करने की। तो दोस्तों, संविधान की धारा 497 कहती है कि अगर कोई पुरुष आपकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो आप गैर पुरुष के ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं 497 के तहत, और इस पे उस व्यक्ति को सज़ा होगी क्योंकि वो एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध में है और यह कानून के बिल्कुल खिलाफ है। तो दोस्तों, हम यह तो नहीं जानते कि यह प्रश्न आपके लिए कितने अनुभवशाली होंगे, कितने ज्ञानवर्धक होंगे, लेकिन हम ज़रूर जानते हैं कि यह प्रश्नों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपका अगले वीडियो में हम इंतज़ार करेंगे मिलने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।